कुर्सियां खत जो मिले कुर्सा वाले ने जो खत भेज के ना हजरत इमाम आली ने कहा आख्या कि तुम आ जाओ बनू उमैया ने जो गवर्नर सी जजीर को आके तख्त नशीर हो गया है लिहाजा तुम आओ तो बड़ा गालिब ने जा पे कुछ लोगों ने मदीना के अंदर जो तो आप मदीना के तामी हक मिले जो तो मक्के के लिए सामना भी हक मिले इसकी हक लैके आ जाते आपने जो इरादा किया तो उसकी पास के मैं हम जाने जा इरादा मुसम्मम कर लिया तैयारी हो गई कुछ लोगों ने आख्या कि ना जाओ जो रस्ते एक बंदा मिलया सफर जारी सी रस्ते एक बंदा मिलया को पूछा उसकिया कुफे के बारे उस बंदे ने आख्या है मामे आदि मुकाम उन्होंने दिलों के शायद नहीं पता जबान से उन्होंने थोड़े नाम थोड़ा मां ही होना लेकिन जो जाकर हुक्मरान आ गया उस उन्होंने बंदिया के दिलों को करी गई रिश्वत दे के वो मुनाफिक हो गए लिहाजा मैं थोड़े ही मशवरा देंगा कि ना जाऊं दो मुहर्रम मैदान सामने एक नजर आया इरादा किया कि वापस चले जाए सारी रात सफर करते रहे सवेरे देख लिया तो मुड़ गए अल्लाह को हुक्म हो चुका अल्लाह को हुक्म हो चुका कि गुजरने वाला गुजर रहा से तोड़ के पूछा कि यह मैदान के मैदान है केड़ा मैदान है कि असी रात का सफर सारी रात करते रहे कि सवेरे जब देखे आठ खुली है किसी मुल्क के होती तो दसन वाला दसन लगा कि यह भी मैदानी कर्बला ये मैदाने कर्बला है आपने फरमाया कि मैंने जेड़ा दसिया गया वही गया जिदा जिक्र मेरे नाना जान करते सन ये वही जगह है जिथे अपना पड़ाव पा हजरत होर आप एक हजार सिपाही लै के गिरफ्तार करना आपको पूछा कि मैं तुम जो शिकार करने आया आया कि मैं क्यों जाना है हमने बहुत फरमाते थे क्या ही मामे आए को काम किसी बाप क्यों आए इमामे आदि को काम ने फरमाया तो ये दूर किया आया ने खत लिखे निम्बू के आया ने खत लिखे ने काम आया हजरत और फरमाते हैं कि मैंने इस गल का पता होगा कि मैं तो अनुभव ही हो आपने होर को आख्या हूं तो यह मैदान आ गया और फरमाते हैं कि लोग आते हैं कि तुसी उस हाकम की पैर कर लो तुसी उन्हों की बगावत कर लगे हो हजरत इमाम आली मुकाम फरमाते ने बगावत के वो बिल्कुल दे खिलाफ हुई है कि किसी को बादशाह मन ले मैं जो हाकम मनी ही नहीं मैं कि नहीं खिलाफ बगावत की थी बगावत के काम दी जब मैं हाकम मान लेगा मैं उसकी
करेगा। बैर के दो तरीके, एक बंदा धक्के नाले को जुलम करे, समझगीर हो गए आपके कुछ बैर कर लो, उस बैर का धक्के रुखसत, उस बैर का ना रुखसत बैर के उस अपने दोष दे के बनवा क्या नहीं बैर कर। एक वैद अजीमत जेदी वास्ते दिल का मनना जरूरी, दिल के दिलों मने जिस चीज को उसकी वैद को आख्या जाता है अजीमत। भले की मामे आई मुकाम फरमा रहे कि मैं वह रुखसत करी भी नहीं चाहता, अजीमत के मुताबिक तो रुकबा ही नहीं जिंदगी का कि मैं उन दिनों मान लवा, यह हो ही नहीं सकता कि मैं नवाशा रसूल हुआ तो जदीद जालिम की बैठ कर लगा। आपने फरमाया कि ना रुखसत कुछ नहीं करनी कि अजीमत मेरा दिल नहीं मनता कि इस बंदे की मैं आखियत मानता, क्योंकि मेरे हुक्म होया है मैं शहीद होना है कि तकबीयत हो गई, मेरे नवास मेरे औलाद में शहीद होना है कि तकबीयत पहुंची, मेरे भतीजा ने इतने कतल होना है कि तकबीयत पहुंची, मेरे भाइयों ने इतने शहीद होना है कि मेरे इस दीन नाने के दीन तकबीयत पहुंची, मेरे 72 कल ने इतने कतल होना है इतने शहीद होना है तीन तकबीर पहुंची। अगर यही काम हजरत इमाम आली मुकाम कर बला ना करते तो दीन साढ़े तक अपड़ नहीं, दीन साढ़े तक अपड़ नहीं सकता कि अल्लाह के महबूब ने उस नवासे की साढ़े उत्ते एहसान, अल्लाह के नवास महबूब के नवासे का एहसान साढ़े मुसलमान से हो गया कि शहादत से अपड़ी हुई जरूर सिदम के उस हाकम के सहल है लेकिन साढ़े उत्ते एहसान कर चाहिए। अज असि बड़ी खुली जबान के नाल आ गए हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला व अशहदु अन मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस कलमे की जबानी जरा असि पढ़ते हैं कि असल कलम का पता कर बरात के पता लगा, उन्होंने सब दसा के पीना को पढ़ना आसान, उन्हें ना पढ़िया होगा उन्हें ना किया होगा तो साढ़े तक कलमा पहुंच गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत समझ की तो भी किताब का मैं वाकई बता रहा।